नमस्कार, कुशीनगर से बड़ी खबर। खड्डा में 45 वर्षीय महिला 11,000 वोल्टेज की चपेट में। जी हां, कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा एकडंगी के छोटा टोला की 45 वर्षीय महिला कमलावती देवी पत्नी मोहन गौड़ की दोपहर गन्ना छीलने के लिए खेत में जाते समय 11,000 विद्युत तार की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गई, जिसे परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकहा में इलाज कराया जा रहा है। वहीं लोगों ने बताया कि विद्युत तार की ऊंचाई 5 फीट तक होने की वजह से यह घटना घटी है। विद्युत विभाग में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। आइए देखते हैं कुशीनगर से एक रिपोर्ट। नीचे झुला हुआ है बिजली विभाग का, उसके लिए प्रधान भी कहे हैं और उसके लिए जो लाइनमैन है सब ये जोड़ते हैं लोग गांव में, वो भी लोग जिस हिसाब से कहे हैं कि हमको एक पोल दीजिए, तो जिस हिसाब नहीं देते हैं नहीं देते हैं। हाँ, तो कैसे वो लोग ऊपर करेंगे। अच्छा, ये बताइए उस तार से अब तक कितने लोग साथ हादसा हो चुके हैं? ये पहला बार है, उसके बाद मान के चलिए उससे लामे लामे जाते हैं लोग, लेकिन जो दूर के आदमी है जो जाते हैं उनको थोड़ी मालूम है कहाँ नीचे है तार। तो मतलब उससे भविष्य में भी घटनाएं हो सकती हैं अगर तार को ऊपर नहीं किया गया? हो सकती है ना, किसी को भी साथ हो सकती है। अच्छा, रात में मान के चलिए लेकर अगर जो हम जा रहे हैं बाइक ही लेके जा रहे हैं साइकिल लेके जा रहे हैं उसमें सड़ जाएंगे। 5 फुट हाइट ही है तो हमारा शरीर मान के चलिए 5 फुट से ज्यादा है तो सट ही सकते हैं। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किया है लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई? मैं वहाँ फोन किए थे तो बोले हैं कि ठीक है कल जी साहब जाएंगे वहाँ बात होगी खड्डा में। और इससे पहले आप लोग कब कंप्लेन किए थे? तो प्रधान से भी पूछे हैं तो बोले हैं कि हम मांगे हैं उनसे पोल मांगे थे लेकिन वो नहीं दिए।